ओम भिक्षु। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स में। और आज मैं पहुंच गया हूं जैन तिरुपन संप्रदाय के एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल जो कि है स्वामी आचार्य भिक्षु स्वामी का ये समाधि स्थल सीरियारी मारवाड़ राजस्थान में है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे पहुँचे आप सीरियारी और क्या क्या साधनों से आप पहुँच सकते हैं आसानी से सीरियारी, और रहने की और खाने की क्या व्यवस्था है यहाँ सीरियारी में। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और आइए दर्शन करते हैं सीरियारी धाम के। तो अब हम निकल रहे हैं बीकानेर से मारवाड़ जंक्शन के लिए। अभी समय हो रहा है सुबह के 7:50 और ट्रेन अब बस अबॉर्ड करते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं मारवाड़ जंक्शन। चलिए, तो अब हम पहुंच गए हैं मारवाड़ जंक्शन और समय हो रहा है अभी 3:30। अब यहां से चलते हैं बार और पकड़ते हैं कुछ साधन सीरियारी पहुँचने के लिए। चलिए, मारवाड़ स्टेशन से सीरियारी जाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको काफ़ी सारी शेयरिंग जीप और पर्सनल कारों के ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहां से आप बस स्टैंड भी जा सकते हैं जहां से आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी सीरियारी के लिए। अभी हमने ये गाड़ी बुक की है स्टेशन से सीरियारी के लिए 500 रुपये में। तो चलते हैं सीरियारी के लिए। सीरियारी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन का है। मारवाड़ जंक्शन से स्वामी भिक्षु समाधि स्थल की दूरी 28 किलोमीटर की है, जो कि आसानी से 30 से 40 मिनट में पूरी की जा सकती है। और सीरियारी का नियरेस्ट एक्टिव एयरपोर्ट जोधपुर का है और उसकी दूरी 125 किलोमीटर की है। सीरियारी में रुकने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ 2 गेस्ट हाउस है जिसमें से एक सुराना भवन और एक हेम अतिथि गेस्ट हाउस है। इसके अलावा एक प्राइवेट होटल भी है। हेम अतिथि गेस्ट हाउस में आपको एसी व नॉन एसी दोनों ही तरह के कमरे मिल जाएंगे और यहाँ के कमरे काफ़ी अच्छे और साफ हैं। आइए दर्शन करते हैं सीरियारी धाम के। तो आज हम जो यहाँ पहुँचे हैं आचार्य स्वामी भिक्षु के समाधि स्थल पे,
जैसे आप सबको पता ही होगा, स्वामी आचार्य भिक्षु जी सर्वप्रथम आचार्य थे जैन तेरा पंथ धर्म के, और इन्होंने ही नींव रखी थी और यही संस्थापक थे जैन तेरा पंथ धर्म के। आचार्य स्वामी भिक्षु जी का जन्म 1726 में राजस्थान के ही कौटिल्या जिले में हुआ था और एक ओसवाल मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आचार्य स्वामी भिक्षु स्वामी जी पहले रघुनाथ जी आचार्य जी के साथ थे, लेकिन उनके से अलग होकर इन्होंने काफ़ी समाज के जो विषयों पर विश्लेषण किया और काफ़ी शिक्षाएं प्राप्त की। उसके बाद इनके जब ये अलग हुए थे आचार्य रघुनाथ जी के से, तब उनके साथ 13 ही अनुयायी आए थे और 13 उनके कुछ प्रिंसिपल थे जो उन्होंने खुद ने बनाए थे एक ज़िंदगी को जीने के लिए, एक जीवन यापन के लिए जैन धर्म के अनुसार। तो इसके चलते ही और इस 13 रूल और 13 अनुयायी उनके साथ थे, इस चलते ही 13 पंथ का नाम पड़ा। ये यहाँ की भोजनशाला है, यहाँ आपको बहुत ही स्वादिष्ट तीनों समय का व्यंजन मिल जाएगा। भोजनशाला का खुलने का समय सुबह 7:30 से शाम सूर्यास्त होने तक का है। तो वो मेन बाहर रोड से रास्ता अंदर आता है और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा चिल्ड्रंस पार्क है। और ये मेन द्वार हेम द्वार, और इसके जस्ट बगल में ये यहाँ संस्था का एक बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस भी है। समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद आप यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक छोटा सा सुंदर सा जगह बना रखी है जहाँ भिक्षु स्वामी जी अपनी साधना और तप करते थे। ये यहाँ छोटा सा एक स्वामी भिक्षु जी का म्यूजियम भी है। ये यहाँ एक कार्यालय है, इसके पास एक छोटा सा सुवेनियर शॉप और आगे एक कैंटीन है। इस सुवेनियर शॉप में आपको काफी चीजें यहाँ मिल जाएगी। यहाँ कार्यालय के पास एक छोटी सी कैंटीन भी है जहाँ आप अपना जरूरी सामान ले सकते हैं। तो आपने दर्शन किए आचार्य भिक्षु स्वामी के समाधि स्थल के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो सीरियली धाम दर्शन की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स को। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।